ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो मेरे सामने वापस से आ चुकी है यामाहा MT-15 वर्जन 2.0, बट इस बार जो मैं आपके सामने नया कलर लेके आया हूँ इसका नाम है सियान ब्लू। और अपनी चैनल पे जो है ये बाइक सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आप लोगों को जो है ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये नया कलर भी आप लोगों को दिखा दूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने बाकी वीडियोस देखे रहेंगे, बट अपनी चैनल पे जो ये फर्स्ट टाइम मैं शोकेस कर रहा हूँ। एंड इस बाइक की जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 1.98 लाख रुपीज़ मुंबई। स्पेशल थैंक्स टू यामा ऑटोमैक्स ऑटोमोटिव एंड अक्षय सर जिन्होंने जो है मुझे ये बाइक प्रोवाइड किया आप तक पहुँचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइक के कलर को, जैसे मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं सियान ब्लू, और दिखने में जो है काफ़ी ज़्यादा कड़क है। मतलब यहाँ पे जो आपको एक बहुत ही पॉलिश्ड ग्रे, मतलब ग्लॉसी ग्रे कलर में ये टैंक वर्क मिलता है, यहाँ पर भी आपको ये पॉलिश्ड ब्लू कलर मिलता है जो आइस ब्लू सियान ब्लू बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो आपको हल्के फुल्के से रेड कलर के स्ट्राइप वर्क मिल जाते हैं। साथ ही में ये जो गोल्डन कलर के USDs का कॉम्बिनेशन आता है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है, और स्पेशली ये ग्लॉसी ग्रे कलर में जो आपको मडगार्ड मिलता है फ्रंट में वो भी बेहतरीन दिखता है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग मोटरसाइकिल्स इन इंडिया राइट नाउ। सो फ्रंट से शुरुआत करेंगे। सो फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको हमारी सबसे फेवरेट हेडलाइट रोबोटिक फेस वाली हेडलाइट्स मिल जाती है। यहाँ पर भी जो है आपको ये ग्रे कलर का, ग्लॉसी ग्रे कलर का फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे आपको DR के साथ साथ प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिलती है, गोल्डन कलर के USD फोक्स मिल जाते हैं, ग्रे कलर में मडगार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पर जो आपको सियान ब्लू कलर के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। क्या बात है, फ्रंट में आपको बाइबर की तरफ से डिस्क ब्रेक्स मिलती है, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, और टायर प्रोफाइल जो है वो है 180/17 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर फॉर्म MRF। क्या बात है, और इंजन पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो आपको 155cc का 6-speed लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, और ये जो बैश प्लेट यहाँ पे आपको मिलती है बट वो मेटल की नहीं है, यहाँ पे आपको MT की ब्रांडिंग मिल जाती है। और टैंक पे भी जो आपको यहाँ पे ये हल्के फुल्के से टैंक पैड भी दिखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिख जाते हैं। सो ये हल्के फुल्के से चेंजेस किए बट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ये रहा राइडर फुटपैक, ये रहा पिलियन फुटपैक, और ये है बाइक का एग्जॉस्ट। मैं आपको एक बार इसका एग्जॉस्ट सुना दूं। काफ़ी ज़्यादा ग्रंट वाला साउंड यहाँ पे आपको मिलता है। एंड पीछे जो है आपको मोनोशॉक्स मिलते हैं विद येलो कलर के स्प्रिंग्स जिस तरीके से, और यहाँ पे जो आपको पीछे की साइड टायर हगर मिल जाएगा, और पीछे जो है टायर सेक्शन वो है 140/70 R17 के टायर्स, डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी पीछे, और ये जो ग्रैब बार्स है काफ़ी ज़्यादा यूनिक से ग्रैब बार्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। यामा की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको छोटी सी कुछ इस तरीके से, और ये पीछे का जो मड गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा मड गार्ड है, आप देख सकते हो पिलियन की सीट कहाँ पर, और इसका मड गार्ड जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। सो वैसे बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखती है, और यहाँ पर आपको जो है ये जो ब्रेक लाइट्स मिलती है वो मिलती है आपको LED में, 10 इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे बल्ब में, और ये बाजू आ जाता है यहाँ पे आपको सारी गार मिलता है। सो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी मम्मी साइड पे बैठना चाहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर अगर आपकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनती है यानी मुझे पता नहीं। ये रहा इसका स्विंग आर्म, भाई स्विंग आर्म को जो है यहाँ पे अभी चेंज कर दिया, अभी आपको एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म मिलता है, और जैसे आपको बताया था 6-speed गेयरबॉक्स, इंजन कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। सीट्स पे आ जाते हैं, सो सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बनाना सीट मिलती है, पीछे की पिलियन सीट हल्की सी छोटी है बट राइडर की सीट एकदम ज़्यादा कंफर्टेबल है। 10 लीटर की टैंक मिलती है भैया, टैंक से जो आपकी नज़र नहीं हटने वाली, ये जो पोर्शन है बाइक का कॉकपिट वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कड़क, तो यहाँ पे आपको 10 लीटर की टैंक मिलती है जिसमें से जो आपको ऑलमोस्ट 40-45 की माइलेज भी मिल जाएगी। हैंडल बार्स पे आ जाता है, तो यहाँ पे जो आपको रबराइज ग्रिप मिलती है, स्लिपर क्लच मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम पास लाइट, हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स जो ऊपर नीचे है, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और पावर का बटन। डिस्प्ले पे आ जाते हैं, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है, हाई बॉडी करके ग्रीट करेगा। इसमें जो आपको ब्लूटूथ फंक्शन भी मिलता है जिसमें आपको फोन कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स और आपकी बैटरी दिखा देगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आपको फ़ोन ऐप थ्रू पता चल जाएगा। आपको मिल जाएगा गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM, कितने किलोमीटर चलिए, स्पीड, फ्यूल गेज और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। यहाँ पर आपको RPM शिफ्ट लाइट भी मिलती है, और ये वार्निंग्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्या बात है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द सियान ब्लू यामाहा MT वर्जन
2.0। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता अपने मोटर लॉ के सेटअप में। इसी लेट्स डू दिस, मैंने बहुत बार एम्प्टी चलाई है, बट ये कलर मुझे चला के देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा फील होता है। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका अपने मोटर लॉ के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। क्या कलर है यार, क्या कलर है, वाह। तुरंत बैठेंगे बाइक पे और इसको चलाएंगे। भाई आज एक चीज़ के लिए जो है मुझे माफ़ कर देना, मैं जो अपने ग्लव्स घर पे भूल गया, धोने में रखे थे और वहीं पे पड़े रह गए, तो आज मैंने ग्लव्स नहीं पहने, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। सो सबसे पहले बात करेंगे बाइक के कंफर्ट को, बाइक के अर्गोनॉमिक्स को लेकर। भाई ये बाइक बाहर से जितनी सुंदर दिखती है, बैठने के बाद भी उतनी ही सुंदर दिखती है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जो है बाइक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। आपको चलाकर मज़ा आने वाला है, वो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसका जो कंफर्ट है वो एकदम ही ज़्यादा तगड़ा वाला कंफर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और मैं जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अंदर बैठा हुआ हूँ। इसके जो हैंडल बार्स है वो हल्के से नीचे की साइड है, मतलब मान लो अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो आपको हल्का सा 1-2% आगे झुकना पड़ेगा, वो भी बिकॉज ये एक स्पोर्ट्स नेकेड एडवेंचर टूरर है नहीं। और इसकी वजह से जो आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है, वैसी वाली बात है, इसके लिए थोड़ा हल्का सा 1-2% आगे झुकने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके जो फुट पैग्स है वो थोड़े रेयर सेटिंग में है, सो कम्प्लीट नेकेड स्पोर्ट्स वाली लुक एंड फील यहाँ पे आपको मिलती है। ये जो बॉडी वर्क है, पैनल है, टैंक पैनल, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वैसे ये बाइक छोटी दिखती है, बट जब इस पर आप बैठते हो तो आपको जो बड़ी लगने लगती है। सो पैर भी जो काफ़ी मज़े से अंदर टकिन हो जाते हैं। हाँ, आपको जो यहाँ पे विंड ब्लास्ट काफ़ी बेहतरीन सा लगता है, तो उसके लिए जो आप वाइज़र वगैरह लगवा सकते हो। और अभी आ जाते हैं बाइक के इंजन पे। भाई MT मास्टर ऑफ टॉक वो गलत नहीं कहता है। काफ़ी पंची सा इंजन यहाँ पे आपको मिलता है 155 cc का, और बहुत ही ज़्यादा हाई रेविंग इंजन। मतलब आपको जो ना इसको खोलने में जो मज़ा आने वाला है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा कड़क है। बहुत ही बढ़िया सा इंजन यहाँ पे आपको मिलता है और रिफाइनमेंट भी जो है काफ़ी बेहतरीन सी रिफाइनमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है। नॉकिंग वगैरह जो इतनी खास है नहीं, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है आप देख सकते हो, ये देखिए मतलब टिचकी मारते ही सीधा जो है बाइक जवाब देना शुरू कर देता है। ये है अपनी टिचकी टेस्ट जो अभी मैं बहुत कम वीडियोस में करता बट मैं याद रखूँगा। ओके, और वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ तो इसमें जो आपको फुट पैक्स पे थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे लगते हैं, बाकी ओवरऑल बॉडी पे जो है इतने वाइब्रेशंस नहीं लगते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स मैं अभी बोल सकता हूँ 155 cc सेगमेंट में। वाह, और मैं कह सकता हूँ पोस्ट 4,500 RPM के बाद बाइक जो है ग्लाइड करना शुरू कर देती है। मतलब एक टाइम का आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो है ना आप ऐसे करके ऊपर जा रहे हो, वैसा वाला फील आता है। और आ जाते हैं इस बाइक के हैंडलिंग पे। भाई आगे USD होने के वजह से जो है बाइक का हैंडलिंग थोड़ा सा जो है स्टिफ हो चुका है, बट उसके वजह से जो है आपको स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन सी मिलती है। और यहाँ पे जो है VVA टेक्नोलॉजी भी मिलती है आपको, तो जैसे ही अगर आप कुछ RPM क्रॉस करते हो तो इसका जो है VVA किक इन करता है। ये देखिए 7,500 RPM के बाद VVA किक इन करता है इसका। हाँ, तो मैं बता रहा था इसके हैंडलिंग के बारे में, इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब स्टेबिलिटी आप देखिए और क्या गाड़ी ग्लाइड करती है यार। मतलब इसका जो है मेन फ्रंट पोर्शन हैवी है और इसका जो पीछे का रेयर टायर है वो भी बड़ा सा है, तो वो जो दो कॉम्बिनेशन होके जो आप बाइक को ऐसे ऐसे स्विंग करते हो और जो कट वगैरह करते हो, मज़ा आ गया कड़क। और जो आवाज़ निकलता है इस बाइक में से, इसके एग्जॉस्ट में से, वो भी आपके कानों तक सुनाई देता है, हर एक RPM पे सुनाई देता है। और अभी आ जाते हैं बाइक की ब्रेक्स पे, यहीं पे मैं करूंगा इसकी ब्रेकिंग टेस्ट। ओके भाई, इसकी फ्रंट ब्रेक स्ट्रांग है, सो आपको जो बाइटिंग काफ़ी बेहतरीन से मिलती है। और USD जो है वो थोड़े सॉफ्ट थोड़े स्टिफ सेटिंग पे, तो आपको वो बाउंस बैक इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलता, बट यस गाड़ी होल्ड पे आ जाती है। रेयर ब्रेक टेस्ट करेंगे यहाँ पे, ये मैंने भगाई और भाई इसकी रेयर ब्रेक भी स्ट्रांग है, बट क्योंकि पीछे आपको ABS नहीं मिलता तो टायर जो है स्किड करता है।
और साइड में मिरर्स जो अच्छा खासा मुझे व्यू दे रहे हैं लीफ बनाना लीफ शेप में, अरे बनाना लीफ क्या लीफ शेप में आपको यहाँ पे ये साइड में मिरर्स मिलता है। इसका मेन मज़ा है ना हायर आरपीएम पे, बहुत मज़ा आता है। फाइनल वर्डिक दे देता हूँ भाई, देखो हम सभी लोग जानते हैं, मैं फ्रेंकली जानता हूँ कि मेरी चैनल पे जो आप लोगों को ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मुझे भी जो है हमेशा मैं जब कभी इस बाइक को चलाता हूँ मुझे भी उतना ही मज़ा आता है जितना आप लोगों को देखने में मज़ा आता है, तो ऐसी वाली बात है। सो अगर आपको एक 150cc की सुपर नेकेड मोटरसाइकिल चाहिए और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको ऐसा यू नो मतलब स्टैंड आउट करना है अपने क्राउड के सामने कॉलेज में स्टूडेंट्स में, या फिर अगर आप ऑफिस वगैरह भी जाते हो और आपको थोड़ा स्टाइलिश मतलब ऐसा एलिगेंट लुक में चाहिए, तो इसका ब्लैक कलर आता है वो तो भाई इतना ज़्यादा कड़क कलर है, वो ग्लॉसी ब्लैक के साथ गोल्डन वाला इसके अरे गोल्डन USDs के जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया दिखता है। तो ये ना दोनों दुनिया में परफेक्ट बैठती है। सो ऐसी वाली बाइक है ये, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड ऑफ व्लॉग है, आई होप दिस वीडियो गाइस इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन, दिस DBS व्लॉग्स साइनिंग आउट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।